भाजपा की कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है, ये बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस मंडी जिला अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने उपायुक्त मंडी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे ज्ञापन के बाद कही। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि केंद्र और प्रदेश सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है तो हिमाचल में घोटाले क्यों हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं इसकी जाँच हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ईमानदार है तो फिर भाजपा सरकार के राज में ये भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि स्वास्थ्य निदेशक के बैंक के खातों और उनके घरों में जो पैसा मिला है वो कहां से आया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश एक ओर कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिमाचल में सैनिटाइजर घोटाला हो रहा है, सस्ती बोतलों को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। भाजपा के लोग कहते हैं कि उनकी सरकारें बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक आला ऑफिसर, वो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर हैं, की ऑडियो वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें उन्होंने किसी से 5 लाख रुपए की मांग की और उसके बाद जब जांच चली तो उनके घर में 4 लाख रुपए नकदी कैश पाया गया। जब उसके उपरांत उनके खाते देखे गए बैंकों में तो काफी धन उनके अकाउंट में पाया गया। ये पैसा आया कहाँ से? क्या अजय गुप्ता, जिनका नाम है अजय गुप्ता, अकेले हैं कि इनके साथ कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, अब लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कैसा? इस भ्रष्टाचार से पहले आपने देखा सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाला हुआ, उस घोटाले में 50 रुपए की बोतल 150 रुपए में खरीदी और बेची गई। ये कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है कौन कर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में या हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से काम कर रही है तो घोटाला करने वाले कौन है? हमने देखा कि अजय गुप्ता के पीछे किस नेता का हाथ है जिसने उसको एक्सटेंशन दी थी? क्या इसलिए एक्सटेंशन दी गई? क्या जिस जिला से बिंदल साहब, डॉक्टर बिंदल, जिन्होंने इस्तीफा दिया, बोलते हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया, वो कैसा, क्यों? क्या बिंदल साहब इस सिलसिले में सम्मिलित हैं? क्या जिस जिला से माननीय डॉक्टर बिंदल विधायक है उस जिला से वो जो डायरेक्टर है वो संबंध रखते हैं? क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, वो दिल्ली की हो चाहे हिमाचल प्रदेश की, वो हमें बताए कि किस तरह से आप काम करना चाहते हैं यह भ्रष्टाचार से। हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, उन्होंने कहा मेरा बड़ा तजुर्बा है, कई सालों से मैं राजनीति में हूं, पर मैंने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में ऐसे घोटाले नहीं देखे। इतना बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश में हुआ, उसके साथ साथ ये दूसरा घोटाला, इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी जिला मंडी से, मैं और मेरे साथी, हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, विजिलेंस के माध्यम से नहीं। विजिलेंस जो है सरकार का हिस्सा है, हमें विश्वास नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जांच जो है निष्पक्ष जांच हो, ये हाई कोर्ट के जस्टिस या चीफ जस्टिस के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये हमारी मांग है।